दोस्तों आज जो मैं आपको हाइडन और सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत कमाल की है और आप इसे किसी भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो और ऑफिस में रहते हो, कॉलेज में रहते हो, तो ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो ये ट्रिक रिलेटेड है हमारे मेन साउंड से और ऊपर के ईयरपीस से। दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मान लो आप अपना हेडफोन भूल के आए हो और आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो और जॉब करते हो और आपको आपके इम्पोर्टेंस रिकॉर्डिंग्स ऑडियो फाइल सुनने हैं, तो आप क्या करोगे? आप मेन साउंड से तो नहीं सुन सकते क्योंकि सारे पब्लिक को सुनाई देगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑडियो फाइल्स है। तभी दोस्तों ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आ सकती है। ये ऐप क्या करेगा, आपकी जो भी ऑडियो है वो नीचे के साउंड, जो मेन साउंड है उसको नहीं भेजेगा, ऊपर का जो ईयर पीस है जब हम कॉल लगाते हैं जिससे आवाज़ आती है उसको भेज देगा। दोस्तों इस ऐप को ओपन करने के बाद इसके सेटिंग में जाके मैं जब एक्टिव फॉर ऑल ऐप्स को इनेबल करता हूँ तो ये ऐप आपके फ़ोन में जितने भी म्यूजिक प्लेयर है, यूट्यूब है, जिससे भी आप ऑडियो आता है वो पूरा का पूरा ऑडियो आपके ऊपर के ईयर पीस को ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एग्जांपल के लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक वीडियो प्ले करके। तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे आके एक वीडियो प्ले करता हूँ तो इसका जो भी साउंड है ये ऊपर के ईयर पीस से आएगा। मतलब दोस्तों ये ऐप आपकी पूरे की पूरी प्राइवेसी का ख्याल रखता है, चाहे आप पब्लिक में हो, ऑफिस में हो, आपको ऑडियो फाइल सुनना ही सुनना है तो आप ईयर पीस, मतलब जैसे आप कॉल पे बोलते हो वैसे आपको फ़ोन बस कान पे चिपकाना है और वो ऑडियो फाइल आप पूरी की पूरी सुन लोगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो चलो देखते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है। आपको दोस्तों जाना है प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में सर्च करना है सिल्ट प्लेयर। उसके बाद दोस्तों ये पहले ही एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, इसका रेटिंग देख लीजिए 4.5 रेटिंग है और काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये कोई भी एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग नहीं मांगेगा। जस्ट आपको एक्टिव फॉर ऑल ऐप्स में जाना है और जो भी एड्स आएंगी उसे स्किप करना है और स्किप कर तो जो भी स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे हैं उसे आपको इनेबल करना है। तो यहाँ पे आपका काम बन जाता है और फिर से आपको बड़े स्पीकर पे, आपके जो मेन स्पीकर पे सुनना है तो सिंपली उस दो ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। तो ये ट्रिक कैसे लगा मुझे नीचे ज़रूर सुझाव दीजिए अपने, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।